और अब खबर बिहार से है, जहां के रोहतास में चोर एटीएम मशीन काट कर 24 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। रोहतास प्रखंड के मुख्य बाजार स्थित स्टेट बैंक के एटीएम से चोर गैस कटर की सहायता से एटीएम मशीन काट कर 24,59,000 रुपए की चोरी को अंजाम देकर फरार हो गए। गुरुवार की सुबह रुपए निकालने के लिए जब ग्राहक एटीएम में पहुंचा, तब जाकर इसका खुलासा हुआ। वहीं बैंक कर्मी सीसीटीवी के माध्यम से चोरी की जानकारी होने की बात कह रहे हैं। एसबीआई के चैनल मैनेजर प्रशांत कुमार ने बताया कि एटीएम में 24,59,000 रुपए थे। प्रशांत कुमार ने कहा कि सीसीटीवी के माध्यम से रात में ही पता चला तो थाने को सूचना दी, लेकिन 10 मिनट के अंदर ही गैस कटर से एटीएम काट कर पैसे लेकर चोर फरार हो गए। एटीएम से पैसे चुराने की घटना रोहतास थाना क्षेत्र के अकबरपुर की बताई जाती है। बताया जाता है कि बुधवार की शाम एटीएम में रुपए डाले गए थे और बीती रात इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। इसके बाद पुलिस छानबीन में लगी हुई है। वहीं बैंक के कर्मचारियों ने बताया कि हर दिन 5 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन इस एटीएम से किया जाता है। एसबीआई के चैनल मैनेजर प्रशांत कुमार ने बताया कि एटीएम में 24,59,000 रुपए थे। वहीं सीसीटीवी के माध्यम से रात में ही पता चला तो थाने को सूचना दी गई थी। और अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे में दो लोगों की तस्वीर देख रही है, जिसे फुटेज के आधार पर जांच की जाएगी। थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि एटीएम का शटर का ताला तोड़कर बाहर फेंका गया था। एटीएम का सेंसर भी तोड़ दिया गया था। मशीन के अंदर रुपए के 5 बॉक्स थे, जिसे गैस कटर से काटा गया था। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।